प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। सबसे पहले वे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। बंगाल और उड़ीसा में तूफान की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार और ट्विटर अब आमने सामने आ गए हैं। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसी देश का विशेष अधिकार है, जबकि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया साइट है। ट्विटर ने अपने बयान में गाइडलाइंस का पालन करने से मना किया है, जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की हैं। सरकार ने ट्विटर के बयान को भारत को बदनाम करने की साजिश बताया। जो है हम किसी तरह के हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन लोगों की आवाज, जिनकी आवाज यहाँ दब जाती है, इसको कहते हुए कि हमको प्रोटेक्शन है। भाई आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन आपको कंप्लायंस को भी तो देखना पड़ेगा कि कंप्लाई, आप जो कंप्लेन जो आ रही है उसका रेजोल्यूशन आप देख कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने डिजिटल मीडिया समेत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को ये बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया है। सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच घमासान जारी है। IMA रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। फिलहाल इस मामले में रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने IMA की लिखित शिकायत तो ले ली है, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में IMA की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। इससे पहले IMA रामदेव को 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेज चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव के पास कौन सी ऐसी डिग्री है, आयुर्वेदा की कौन सी डिग्री है जिसके लिए वो कहते हैं। हम पूरे देश में जितने भी हमारी देश की चिकित्सा पद्धति है उनका सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे सब हो, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात की जाए, जो प्रोटोकॉल ICMR के द्वारा जो रिलीज होते हैं, जो CDC जो अमेरिका के द्वारा जो प्रोटोकॉल रिलीज होते हैं, उस मॉडर्न मेडिसिन को पालन करके आज देश में कितने मरीज जो हैं ठीक होकर स्वस्थ होकर जा रहे हैं, उन सबको नकार देना, उस पूरी साइंस को नकार देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के डॉक्टर्स की, हमारे देश की छवि खराब करने में बाबा रामदेव लगे हुए हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। वहीं राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां हो रही हैं। इससे माना जा रहा है कि 28 या 29 मई को योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में व्हाइट फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसमें फंगस के कारण महिला की आंतों में छेद हो गए। व्हाइट फंगस से शरीर को पहुंचे इस तरह के नुकसान का ये दुनिया में पहला केस बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना केसों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 1072 केस और 117 मौतें दर्ज की गई। 30 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम केस है। 30 मार्च को 992 केस सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 1.53% हो गई है। 24 मार्च के बाद संक्रमण दर सबसे कम है। 24 मार्च को दर 1.52% थी। 24 घंटे में दिल्ली में 3,725 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 23,812 हो गया है। नीति आयोग के मुताबिक दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के दिए जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट है, दोनों डोज एक ही वैक्सीन की दी जाएंगी। अगर अलग अलग डोज दी गई हैं, तो इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो भी गया है तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी, कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर राहत पहुंचाने वाले आंकड़े दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 दिन से देश में कोरोना केसों में गिरावट देखी जा रही है। 24 राज्यों में बीते एक हफ्ते में केस लगातार घटे हैं। इसके अलावा 1 मई को जो रिकवरी रेट 81% के पास था, वो अब बढ़कर 90% हो गया है। देश में कोरोना के जितने केस रोजाना सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 10 दिन से रोजाना 3 लाख से कम केस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से हुई लोगों की मौत का सही आंकड़ा पता करने के लिए 7 सदस्यीय टीमों का गठन किया है। इस टीम में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे, पूर्व सांसद पीएल पुनिया समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। कांग्रेस लगातार यूपी में आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। अब उनका और उनके दोस्तों का पहलवान को लाठियों से पीटते वक्त का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुशील दोस्तों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सुशील के हाथ में हॉकी नजर आ रही है। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। गोरखपुर में शादी में तमंचे पर डिस्को करते हुए एक बदमाश का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही गोरखपुर पुलिस के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। तमंचे पर डिस्को करते हुए बदमाश की पहचान पुलिस ने कर ली है। वीडियो 26 मई का बताया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 लोग लाठी डंडों से एक व्यक्ति को इतना पीट रहे हैं कि वो बेहोश हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रांची की कांची नदी पर बना हारा डीह बूढ़ा डीह पुल बारिश में धंस गया। ये पुल तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। 3 साल पहले करोड़ों की लागत से उच्च स्तरीय पुल बना था। अब तक कांची नदी पर बने सोनाहातू का हारीन पुल, तमाड़ का बामला डीह पुल पहले ही ध्वस्त हो चुका था। तीनों पुल को बने हुए महज 4 साल ही हुए थे। यहाँ तक इस हारा डीह पुल में अभी तक बड़े वाहन चले भी नहीं थे। कांची नदी पर लगातार बालू का अवैध खनन और पुल के नीचे से खनन के कारण पुल कमजोर हो रहे हैं। दुमका उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जरपुरा गांव से कोयला गोदाम से 944 पेटी अवैध विदेशी शराब के 65 ड्रम स्प्रिट बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए बताया जा रहा है। पकड़े गए शराब की बोतलों पर अरुणाचल प्रदेश की मुहर लगी है। इस कारोबार से जुड़े बिहार के शेखपुरा निवासी मुस्तफा खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध शराब को बिहार सप्लाई करता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को कोरोना वायरस का जन्म स्थान तलाशने के लिए दोगुने प्रयास करने को कहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने एजेंसियों को कहा है कि 90 दिन के भीतर वायरस के जन्म स्थान का पता करके रिपोर्ट दें। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने मुलाकात की। वेस्ट बैंक में हुई मुलाकात में ब्रिटिश विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन को बड़ी मदद देने की बात कही। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात की थी। मध्य पूर्व देशों के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हमास और इजरायल के बीच 11 दिन तक चले खूनी संघर्ष के कुछ दिन बाद हुई। 16 साल के एक फिलिस्तीनी युवक को गोली मारने के आरोप में इजरायली पुलिस ने अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। युवक को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले हफ्ते यरूशलम में युवक को गोली मारी गई थी।
अमेरिका के डलास में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी आर्लिंगटन के एक अपार्टमेंट में हुई। गोलीबारी क्यों हुई अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। खाड़ी देश ओमान में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर छंटनी के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सोहर शहर की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जहां जमकर तोड़फोड़ की, तो वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पेरू में एक जादूगर समूह ने देश में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। राजधानी लीमा में जादू टोना के जरिए जादूगर समूह ने दावा किया कि पेड्रो कैस्टिलो राष्ट्रपति चुनाव जीतने जा रहे हैं। पेरू के इस जादूगर समूह ने अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन के जीतने की भी भविष्यवाणी की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च किया। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के ग्लोबल प्रसार में मदद करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष में स्पेसएक्स की यह 118वीं उड़ान है। मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। न्यूयॉर्क के एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंची एंड्रिया को फाइजर वैक्सीन की डोज दी गई। मेक्सिको की रहने वाली एंड्रिया ने सभी से बिना डरे वैक्सीन लगवाने की अपील की। न्यूयॉर्क में मशहूर पेंटर विंसेंट वान गॉग की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी वान गॉग के जीवन और उनकी कला के इतिहास को दर्शाती है। पेंटिंग्स को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। न्यूयॉर्क से पहले भी इस तरह की प्रदर्शनी कई देशों में लगाई जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर सरकार और विपक्ष